हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले यानी 22 अप्रैल को एक लेटर रिलीज हुआ था रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के ऊपर। जी हाँ, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो पूछे जा रहे थे। तो देखिए, अभी इन सभी क्वेश्चंस का एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जारी कर दिया गया है इंडिकेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी के द्वारा, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और उनका जवाब दिया गया है यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। तो देखिए, इस वीडियो में हम उन सब क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो FAQ के अंदर यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो देखिए, वीडियो में एक एक पॉइंट पे बारीकी से जाऊंगा, तो आप जस्ट वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये लेटर 11 मई 2022 का है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, ये सभी जो आर्मी की कमांड्स हैं उनको भेज दिया गया है। इसमें डिस्कस किया गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन रिस्क एंड हार्डशिप रिलेटेड अलाउंसेस। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है वो लेटर एक्चुअली जो 22 अप्रैल 2022 को था, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बीइंग पोस्टेड इन सियाचिन आई एम एंटाइटल्ड टू सियाचिन अलाउंस RNH मैक्सिमम हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2, वाट इज़ द चेंज इन माई एंटरटेनमेंट। देखिए, तो यहाँ पर बोला गया भाई मैं सियाचिन में पोस्टिंग हूँ और मेरे को RNH मैगजीम मिलता था और हाफा मिलता था R1H2, तो अभी मेरे एंटाइटल्ड में क्या चेंज किया गया है। तो देखिए, इसका क्लेरिफिकेशन आया है कि जैसे लेटर है 21 अप्रैल 2022 का, देर इज़ नो चेंज इन एंटाइटलमेंट इन सियाचिन। सियाचिन के किसी भी टाइप के एंटाइटलमेंट में कोई डिफरेंस नहीं किया गया, यानी सियाचिन में जो अलाउंस पहले जैसे मिलता था ऐसा ही मिलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, अर्लियर हाई एल्टीट्यूड एरिया हा कैटेगरी 3 R1H1 हाई एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2 वर एडमिशिबल इन माई यूनिट लोकेशन। हाउएवर एज पर MOD लेटर जो 21 अप्रैल 2022 का है, माय यूनिट लोकेशन इज एंटाइटल्ड इन R1H1। वेदर देयर इज एनी चेंज इन माय यूनिट स्टेटस विद रेफरेंस टू डिप्लॉयमेंट इन हाईली फील्ड एरिया एक्टिव फील्ड एरिया हाफा और अलाउंसेज रिलेटेड टू द हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2। तो नाउ हाई एल्टीट्यूड एरिया हा कैटेगरी 3 R1H1 प्लस हाई यानी हाफा एट R1H1, जो पहले R1H2 था, R1H1 इज एडमिसिबल कंकरेंटली। हाउएवर यूनिट कंटिन्यूज टू बी इन हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, हाफा के अंदर में ही यूनिट रहेगी, लेकिन जो आपका अलाउंसेज है, तो देखिए, ये तो आपको हाई एल्टीट्यूड जो है R1H1 पहले से मिल रहा था, अभी जो आपको मिलेगा R1H1 का ये मिलेगा, यानी जो पहले R1H2 मिल रहा था आपको हाफा, वो भी आपको पूरा मिलेगा, यानी 17,000 जो समथिंग है, तो 17,000 समथिंग यानी टोटल 34,000 प्लस आपको यहाँ पर अलाउंस मिलने वाला है। लेकिन लास्ट में जो मैट्रिक्स है वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तीसरा क्वेश्चन, अर्लियर काउंटर इंसर्जेंसी फील्ड अलाउंस CIOPS R1H2 हा CAT1 R3H2 वर एडमिसिबल टू पर्सनल इन माई यूनिट लोकेशन, नाउ लोकेशन इज शोन एज एंटाइटल्ड फॉर R1H1। देखिए, अभी तक R1H2 काउंटर इंसर्जेंसी और R3H2 जो है हाँ मिलता था, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, उनका क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है। तो देखिए, ये लिखा गया है CI जो है R1H1 मिलेगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान लोकेशन है लिस्ट में जो 132 लोकेशंस हैं उसमें R1H1 है, तो ये R1H1 हो जाएगा आपका, और बाकी जो हाई एल्टीट्यूड R3H2 है वो सेम कंटिन्यू मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, माई यूनिट इज इन फील्ड एरिया एंड माई फील्ड एरिया अलाउंस R2H2 इज एडमिसिबल नाउ, यूनिट लोकेशन सोन इज एज एंटाइटल्ड फॉर R1H2। देखिए, वर्तमान में R2H2 है, लेकिन अभी R1H2 है जो वर्तमान जो 22 अप्रैल की जो लिस्ट है, तो नाउ फील्ड एरिया अलाउंस इज एडमिसिबल एज पर R1H2, यानी जो बढ़ा हुआ रेट है उस हिसाब से आपको फील्ड एरिया अलाउंस मिलेगा। माई यूनिट इज लोकेटेड इन पीस एज पर MOD लेटर जो 21 अप्रैल या 22 अप्रैल 2022 का है, यूनिट लोकेशन इज नाउ शोन
एज एंटाइटल्ड फॉर आर टू एस टू। देखिए वर्तमान में मेरी यूनिट पीस में है, लेकिन जो ये लेटर है इस लेटर में मेरी जो लोकेशन है वो आर टू एस टू है। तो क्या इज़ देयर एनी चेंज इन पीस और फील्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ माई यूनिट एंड एम आई एंटाइटल्ड फॉर अलाउंस एट आर टू एस टू रेट्स, एम आई एंटाइटल्ड टू अदर फील्ड सर्विस कंसेशंस। तो देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि अभी वर्तमान में मेरी यूनिट जो है पीस में है, अभी जो लिस्ट है उसमें आर टू एस टू मेरी यूनिट को शो कर रहा है, तो क्या मुझे अलाउंस मिलेगा और मेरी यूनिट या जो फील्ड डिप्लॉयमेंट है उसमें कोई इफेक्ट होगा, और क्या मुझे अलाउंस के साथ साथ बाकी कुछ कंसेशंस भी फील्ड वाले या आर टू एस टू वाले मिलने वाले हैं। तो अलाउंसेज आर नाउ एडमिसिबल टू द यूनिट, तो अलाउंसेज की तो बात क्लियर है, देखिए आपको आर टू एस टू मिलेगा। बात रही बाकी सभी कंसेशंस जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ओनली ये जो लेटर है अलाउंस के लिए आपको रीड करना है, बाकी कोई भी कंसेशंस आपके लिए नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल एट वन लेवल डाउन रेट्स फॉर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स अप टू डिवीजन लेवल एंड अटैच ट्रूप्स, व्हाट डज इट मीन। देखिए जैसा उस लेटर में दर्शाया गया है कि ये जो आपका एक स्टेप डाउन मिलना है ये मतलब क्या है, जो आपका आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर या डिवीजन लेवल तक जो है आपको, अगर पहले R1 यानी आपकी यूनिट में अगर लोकेशन दिखा रहा है आपको R1 H1 मिलना चाहिए, लेकिन आप अगर हेडक्वार्टर में हैं या डिवीजन लेवल तक हैं तो आपको R1 H1 ना मिलके R1 H2 मिलेगा, यानी एक लेवल डाउन मिलेगा। क्या कहते हैं ये, इफ़ ट्रूप्स ऑफ हेडक्वार्टर ब्रिगेड एंड यूनिट्स आर एंटाइटल्ड फॉर R1 H1 इन ए लोकेशन देन ट्रूप्स ऑफ को लोकेटेड फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स आई हेडक्वार्टर डिवीजन कॉप्स कमांड सब एरिया एंड एरिया विल ड्रो अलाउंसेस एज पर वन सेल डाउन। जैसे R1 H1 है रेट्स मिलेगा, और अगर R1 H2 है तो R2 H2 यहाँ पर मिलेगा, यानी एक स्टेप आपको यहाँ पर डाउन मिलेगा। व्हाट इज द रिवाइज्ड एडमिसिबिलिटी फॉर MES, NCC, मिलिट्री फार्म्स, रिक्रूटमेंट ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल सच स्टैटिक यूनिट्स। अगर कोई ऐसी स्टैटिक यूनिट्स हैं तो उनका क्या कंडीशन है। तो इन केस ऑफ लोकेशन यूनिट एस्टेब्लिशमेंट इज मेंशन्ड इन एमओडी लेटर फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ आर एंड एच अलाउंसेस देन द यूनिट पर्सनल सेल ड्रो अलाउंसेस एट वन सेल डाउन। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, अगर MES है वहाँ पर, NCC है, मिलिट्री फार्म्स है, रिक्रूटमेंट ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो देखिए ये क्या है, जैसे आपको लास्ट में बताया गया क्वेश्चन में कि एक सेल डाउन मिलेगा, अगर आपको आर टू एस टू मिलता है नॉर्मली लोकेशंस में वहाँ पर तो आपको आर थ्री एस टू मिलेगा। Is the admissibility of allowance at one level down also applicable to location other than, जो इस लेटर में लोकेशन दी गई है क्या इनके अलावा भी जो है वन सेल डाउन है? जी नहीं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। What is enclosed garrison? तो देखिए ये सब वो questions हैं जो आप simply देख सकते हैं, enclosed garrison का क्या मतलब है उस लेटर में। What is concurrent admissibility? ये question देखिए काम का है, यहाँ पर लिखा गया concurrent admissibility is admissible of two or more allowances at the same time, यानी जब आपको दो या दो से ज़्यादा allowances एक साथ मिलते हैं, concurrent मिलते हैं, तो देखिए उनको क्या है आप concurrent admissibility बोला जाता है। देखिए इसके यहाँ पर letter दिया गया है, आप इस letter के आधार पर भी इसको check कर सकते हैं। यहाँ पर 29th Feb 2000 का letter है, इसकी जो पूरा एक list है वो भी मैंने just अभी इस image के बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। How will the revised allowance be claimed? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा था, देखिए अलाउंस अगर मिलेगा तो कब से मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि कब से मिलेगा, तो ये तो फंडा उसी दिन क्लियर हो गया था कि भाई 22 फरवरी 2019 से मिलने वाला है, बट बात ये थी कि मिलेगा कैसे, पार्ट टू जो है वो कहाँ से होगा। तो देखिए जहाँ से अगर हम देखें आपकी यूनिट है, तो बेस्ड ऑन रिवाइज कोऑप नोटिफिकेशन कंसर्न यूनिट विल पब्लिश फ्रेश पार्ट टू ऑर्डर ऑफ सीज। देखिए पहले आपका सीज किया जाएगा 22 फरवरी 2019 से, उसके बाद आपका ग्रांट किया जाएगा, यानी सीज एंड ग्राउंड ग्रांट जो है वो यूनिट आपकी करेगी। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इज मेंटेन्ड फॉर कैरियर मैनेजमेंट लाइक प्रमोशन पोस्टिंग्स। तो देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है भाई, देखिए मेन चीज़ है कि ये अलाउंस फाइनेंशियल के अलावा और बाकी कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं देने वाला है, बाकी जो भी सब चीज़ें हैं वो सेम यहाँ पर रहेंगी। 13 क्वेश्चन देखिए, आई एम पोस्टेड इन पीस लोकेशन डेट इज़ नाउ एंटाइटल्ड टू आर एंड एच अलाउंस, विल माई पोस्टिंग बी काउंटेड एज इन एर पीस और फील्ड एरिया। देखिए आपकी पोस्टिंग जो है जो एज अभी तक चले आ रहा है या यूनिट जो है वो एज ही स्टेटस रहेगी, बस अलाउंसेज आपको इस लिस्ट के अनुसार मिलेगा।
हाउ विल द रिवाइज रेट्स ऑफ अलाउंस एक्योर टू रिटायर डेथ केस आफ्टर. देखिए अगर रिटायरमेंट और डेथ केस हैं उसके बाद में तो कैसे होंगे. तो देखिए फॉर्मेशन ऑब्लिक यूनिक ऑब्लिक एस्टेब्लिशमेंट वेयर रिटायर्ड डिसेस्ड पर्सनल सर्व्ड ऑल पब्लिश सीज एंड ग्रांट पार्ट टू ऑर्डर एक्सप्लेन्ड एट सीरियल नंबर. अगर आप 11 देखें तो अबव एंड फॉरवर्ड इट टू द जो उनका रिकॉर्ड ऑफिस है उस रिकॉर्ड ऑफिस में सेंड करेंगे. यानी अगर आप रिटायर चले जाते हैं तो जो आपकी लास्ट यूनिट थी यानी जहां से आप रिटायर हुए हैं डिस्चार्ज हुए हैं तो वो यूनिट उन सभी बंदों का वहां से सीज एंड ग्रांट का POR करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेजेगी. तो देखिए वो है लिस्ट यहां पर कंकरेंट एडमिसिबिलिटी जो अलाउंसेज हैं वो क्या क्या साथ में मिलते हैं. तो देखिए सियाचिन के साथ में हाफा मिलता है, हाफा के साथ में हा मिलता है, फा के साथ हा मिलता है, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस के साथ भी हा मिलता है, CIO ऑप्स के साथ हा मिलता है, फ्लाइंग हाफा एंड हा साथ में मिलते हैं, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस फा एंड हा ये वो हैं जो आपको यहाँ पर एक साथ मिलते हैं. यानी कंकरेंट एडमिसिबिलिटी यहाँ पर ये है जो इस लेटर के अनुसार आपको बताई गई थी ऊपर मैट्रिक्स में. अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. देखिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हैं ये आप सिंपल पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसे खास बात नहीं है. हाउ विल 40% स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर्सनल बी एडमिटेड टू द एंटाइटल्ड अलाउंस. तो देखिए जो SFC हेडक्वार्टर है वो नोटिफाई करेगा अपनी स्ट्रेंथ को एंड यूनिट्स देन एलिजिबल टू क्लेम अलाउंस कि भाई ये मेरे ये बंदे हैं ये यूनिट्स हैं जहां पर ये अलाउंस दिया जाएगा. हाउ विल द अलाउंस बी रेगुलेटेड ड्यूरिंग एबसेंस. अगर कोई बंदा उस टाइम पे कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे लीव पे रहा है, TD पे रहा है या एडमिट रहा है हॉस्पिटल में तो उसके लिए क्या किया जाएगा. तो अलाउंसेस विल बी रेगुलेटेड एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑन द सब्जेक्ट. जैसे अभी तक आपका यहाँ पर होता रहा है, यहाँ पर 10 मई 2022 का लेटर है तो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा. जैसे अभी तक क्या होता है अगर आप छुट्टी गए हैं तो आपका POR उसी हिसाब से होता है, तो सेम यहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है. हाउ डू आई केम टू नो द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर क्लेमिंग रिवाइज अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम. तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन रिवाइज कॉर्प नोटिफिकेशन, जो आपके यहाँ पे कॉर्प नोटिफिकेशन आती है उस रिवाइज कॉर्प नोटिफिकेशन में आपको ये डेट्स मिल जाएगी. माई प्रेजेंट लोकेशन डजेंट फिगर इन MOD लेटर, हाउएवर माई यूनिट वॉज इन मॉडिफाइड फील्ड अर्लियर. तो देखिए जिसका इस लेटर में जिक्र नहीं है तो जो उनको अलाउंस पहले से मिल रहा था वो उनको एज इट इज मिलता रहेगा. अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है वो लास्ट क्वेश्चन है. उस लेटर में कहा गया है माई एंटाइटलमेंट फर्दर डाउन फ्रॉम R1S2 टू R2S2. देखिए मुझे पहले R1S2 मिलता था, अभी उस लोकेशन के हिसाब से जो आप 32 लोकेशंस उस लेटर में शो की गई हैं तो वहाँ पर मेरा एक सेल डाउन कर दिया गया है यानी अभी R2S2 हो गया है. तो देखिए वहाँ पे भी साफ साफ मेंशन था कि अगर आपका किसी भी कंडीशन से इस लेटर की वजह से कोई लोकेशन या कह सकते हैं कि कोई आपका एक रैंक डाउन हो जाता है, एक सेल डाउन हो जाता है तो आपको एज इट इज़ जो अभी मिल रहा है यानी इस केस में अगर मान के चलूँ तो अभी R1S2 मिल रहा है और वो बोल रहे हैं जो अभी वर्तमान यूनिट है वो R2S2 हो गई है तो मुझे अभी वर्तमान में कौन सा अलाउंस मिलेगा. तो देखिए जो अलाउंस आपको पहले मिल रहा था यानी जो अलाउंस आपका ज़्यादा है उसमें कमी नहीं की जाएगी. तो देखिए ये थे वो 20 क्वेश्चंस, वो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जिनके बारे में यहां पर डिस्कस किया हमने. देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें. बाकी फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद जय भारत.